स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सबसे पहले तो हम इनका डेसिमल हटाते हैं। क्या करें, हम 10 का मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड में कर दें। तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसे हो गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 1 है और ये हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अब हम वैल्यू कोई भी सब्सटीट्यूट कर दें। अब हम लेते हैं मान लो यहाँ से कि 2x इक्वल टू 13, 3y को राइट में ले जाएंगे माइनस 3y और x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में। सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2, तो 2 में पुट करेंगे तो 4 इंटू एक्स की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 ये कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम। 2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसमें, तो ये आएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 6y में से 5y माइनस होंगे तो ये बचेंगे माइनस y, तो कुछ इस तरह से आएगा माइनस y इक्वल टू 23 और ये 26 राइट में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस बाई इक्वल टू माइनस 3 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो बाई इक्वल टू 3। अब बाई की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट बाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है हमारी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3 और y की वैल्यू है 3 इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू आ गया 2। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो 2 जा 4 प्लस 3 जा 9, 4 और 9 होते हैं 13। और यही वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो 2 4 जा 8 प्लस 5 3 जा 15 और 15 और 8 होते हैं 23। तो ये हमारे सॉल्यूशन राइट है। देखते हैं इसका पार्ट फिफ्थ, जो कुछ इस तरह से है कि रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू है 0। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने से, और रूट थ्री एक्स माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इनको हमें सॉल्व करना है। देखो क्या कर सकते हैं हम, इसे थोड़ा सा हम सॉल्व और कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं रूट थ्री एक्स माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं टू रूट टू बाई इक्वल टू 0। इक्वेशन इसे 2 ही रहते नाम रहने देते इसका। अब यहाँ से हम देख लें, इसको राइट साइड में भेज दें कि रूट थ्री एक्स इक्वल टू 2 रूट 2 बाई, ये प्लस हो जाएगा राइट साइड में जाएगा। अब एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है तो हम एक्स इक्वल टू रूट थ्री को राइट में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 बाई।
तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर वन में, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू टू रूट टू अपॉन रूट थ्री बाई इन इक्वेशन वन। इक्वेशन नंबर वन है हमारी टू रूट टू, एक्स की जगह हमें पुट करना है टू रूट टू अपॉन रूट थ्री बाई और प्लस रूट थ्री बाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखो रूट टू और रूट टू टू हो जाएंगे, टू और टू का मल्टीप्लिकेशन फोर अपॉन ये रूट थ्री बाई प्लस रूट थ्री बाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेते हैं तो रूट थ्री आया एलसीएम, रूट थ्री से रूट थ्री वन टाइम कैंसिल तो फोर वाई हो गए, और वन से ये रूट थ्री टाइम जाएगा, रूट थ्री का इसमें थ्री हो जाएगा तो फोर वाई प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा आ गया सेवन वाई और लगा के लिख देते सेवन वाई अपॉन रूट थ्री इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू हो जाएगा जीरो। कैसे जीरो होगा, रूट थ्री आएगा इधर मल्टीप्लिकेशन होगा रूट जीरो में तो जीरो हुआ, और सेवन जब डिवाइड होंगे तो भी जीरो होगा, तो y की वैल्यू हमारी आती है जीरो। और y की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, तो रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो रूट टू एक्स इक्वल टू जीरो हुआ, एक्स इक्वल टू भी जीरो हुआ, वाई इक्वल टू भी जीरो हुआ। अब अगर हम इसको पुट करते हैं एक्स जीरो वाई जीरो तो जीरो ही आता है, यहाँ भी पुट करेंगे तो जीरो आएगा। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, थ्री अपॉन टू एक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री वाई इक्वल टू माइनस टू और एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू थर्टीन अपॉन सिक्स। तो ये हमारी टू इक्वेशन दी गई है, मेथड वही सब्स्टिट्यूशन वाला यूज करना है। तो हम करते हैं इधर इक्वेशन, सबसे पहले तो ये जो फ्रैक्शन में लिखे हुए इनको थोड़ा ठीक करते हैं। यहाँ हमने एलसीएम लिया, सिक्स आया, थ्री टू जा सिक्स हुए, टू का एक्स में टू एक्स होगा, टू से डिवाइड सिक्स को किया थ्री टाइम गया, थ्री का वाई में थ्री वाई होगा इक्वल टू ये थर्टीन अपॉन सिक्स। तो इस तरह से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, तो इक्वेशन हमारी बनती है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन वही 2 है। वन को भी इसी तरह से कर लेते हैं, वन क्या है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y प्लस नहीं है माइनस है इक्वल टू माइनस 2। तो एलसीएम आ गया 6, 2 3 या 6 ये 9x हो गए, थ्री टू जा सिक्स तो ये टेन वाई हो गए और इक्वल टू माइनस टू। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 9x माइनस टेन वाई इक्वल टू सिक्स का टू में मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस 12। तो ये इक्वेशन वन है जो रिफॉर्म करके हमने इस तरह से लिखी है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक वेरिएबल को, मान लो इसे किया हमने तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 10y जाएंगे राइट में तो प्लस के हो जाएंगे 10y माइनस 12। तो और यहीं से और लिख दें, और x इक्वल टू हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन हमने किसको लिया है, अभी हमने ये वैल्यू लिखी है इक्वेशन टू से, वन से लिखी है तो हम टू में पुट करेंगे, पुट
यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू टेन वाई माइनस ट्वेल्व अपॉन नाइन इन इक्वेशन इक्वेशन टू टू में पुट कर दें, टू हमारा है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन, तो टू इंटू एक्स की जगह पुट कर सकते हैं टेन वाई माइनस ट्वेल्व अपॉन नाइन इक्वल प्लस थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन। अब यहाँ हम एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम आ गया नाइन, तो ये अब टू से मल्टीप्लिकेशन भी अंदर ब्रैकेट में करते हैं, नाइन से वन टाइम जाएगा, तो केवल हमें टू का मल्टीप्लिकेशन करना, ट्वेंटी वाई माइनस ट्वेंटी फोर प्लस वन का नाइन टाइम करेंगे ट्वेंटी सेवन वाई इक्वल टू थर्टीन, तो ये देखो हो गए फोर्टी सेवन वाई माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू नाइन से थर्टीन को मल्टीप्लाइड करेंगे तो वन हंड्रेड सेवनटीन हुए, तो फोर्टी सेवन वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर राइट में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा वन हंड्रेड सेवनटीन प्लस ट्वेंटी फोर, तो फोर्टी सेवन वाई इक्वल टू फोर सेवन इलेवन टू वन थ्री वन फोर और ये आ गया वन फोर वन, तो बाई से जब बाई इक्वल टू इससे डिवाइड करेंगे तो ये थ्री टाइम जाएगा, तो बाई इक्वल टू आ गया थ्री। बाई की वैल्यू हम पुट कर दें किसी में भी, इक्वेशन नंबर वन में कर दें या टू में कर दें, टू में कर देते हैं, पुटिंग बाई इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन है हमारी 9x माइनस टेन वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, हमने 2 के लिए कहा था वन बोल दिया क्योंकि 2 आसान है, 2 क्या है 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन, 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन, तो 2x प्लस थ्री इंटू थ्री इक्वल टू थर्टीन, तो इसे हम लिखते हैं 2x प्लस नाइन इक्वल टू थर्टीन या 2x इक्वल टू थर्टीन माइनस नाइन, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 9 जाएंगे 4 और 2 से ये डिवाइड होगा तो 2 टाइम, तो x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू था हमारा 3। सॉल्यूशन को चेक ज़रूर करना है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 के लिए चेक करते हैं हम, x इक्वल टू 2 यानी कि 4 बाई इक्वल टू 3 9, 4 और 9 13 हुए, x इक्वल टू 2 यानी कि 18 माइनस 30, तो ये हो जाएंगे माइनस के 12, तो इस तरह से सॉल्यूशन हमारे राइट है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।